हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कई माओं का और कई सासू माओं का बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक ही तर्क होता है नारियल को लेकर। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को नारियल खिलाया जाए तो उससे बच्चा बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा पैदा होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पैदा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल का खाना प्रेगनेंसी के दौरान कुछ और फायदों से भी जुड़ा हुआ है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नारियल जरूर खाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं ताकि आपका बच्चा गोरा पैदा हो, लेकिन कुछ अन्य कारणों के चलते भी। आइए जानते हैं वो अन्य फायदे जो नारियल का सेवन करने से जुड़े हुए हैं प्रेगनेंसी के दौरान। टिप नंबर वन, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर हॉर्मोन्स में बदलाव आता है, जिसके चलते बार बार चक्कर आना, सर दर्द, बदन दर्द, पीठ का दर्द और बहुत सारी परेशानियां उन्हें एक साथ ही घेर लेती हैं। अगर आप नारियल का सेवन करती हैं तो आप बड़े ही आराम से अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाल सकती हैं। टिप नंबर टू, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको रोजाना एक नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो कच्चे नारियल का सेवन कर सकते हैं या फिर हरे नारियल का पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से माँ और बच्चा दोनों के अंदर ही पौष्टिकता जरूर पहुँचती है। टिप नंबर थ्री, नारियल पानी का सेवन करने से मूत्र सही तरीके से आता है और खुलकर होता है, जिसकी वजह से मूत्र से होने वाला किसी भी प्रकार का संक्रमण का खतरा काफी हद तक टल जाता है। क्योंकि ये पानी का ही एक कंटेंट होता है, इसीलिए ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। टिप नंबर फोर, कई बार गर्भवती महिला को कब्ज की शिकायत हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए भी उन्हें नारियल पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। टिप नंबर फाइव, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है गर्भवती महिला के लिए, इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कच्चे नारियल का या फिर नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहता है और इसी की वजह से हृदय रोग का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान नारियल का सेवन करना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो रोजाना कच्चे नारियल का पानी पी सकते हैं और उसके अंदर जो मलाई निकलती है उसे खाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि पानी के अंदर तो पौष्टिकता होती ही है, लेकिन नारियल की मलाई के अंदर भी काफी ज्यादा पौष्टिकता होती है। आप चाहे तो उस नारियल का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसे हम यूजुअली मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके अंदर के सफेद भाग को निकालकर उसे खाइए, उसके अंदर दूध, पानी और बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।